हेलो, वेलकम टू डॉक 90 अरोड। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट एनर्जी। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर, और आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनकी पर्सन ऑन योर माइंड करेंगे, आपके पर्सन की एनर्जी भी चेक कर लेंगे, और पर्सन ऑन योर माइंड जो पर्सन आपके माइंड में हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं और उन्हीं की एनर्जी चेक कर रहे हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। पर्सन ऑन योर माइंड, जो मेरे व्यूवर के पर्सन जो आपके माइंड में है वो पर्सन, हम उसकी एनर्जी चेक करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, जो भी आपके माइंड में चल रहे हैं आप सोच सकते हैं, जिसकी भी आप रीडिंग देखना चाहते हैं हम उस पर्सन की एनर्जी चेक कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया अगर मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है, और मैं जर्नल रीडिंग करती हूँ, इस बात को याद रखा करें। सारी रीडिंग्स आपसे मैच नहीं कर सकती, जितनी मैच करती है, जितना आपको रेजोनेट करता है उतना रखें, अदरवाइज वो किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है, आपको अपनी कंडीशन के बारे में ज़्यादा पता है, तो जितना आप लोग को लगा करे कि ये हमारा हिस्सा है तो आप उतना रख लिया करें। ठीक है, हाँ, वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, कुछ एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं आपके पर्सन के माइंड में है। आपके पर्सन की जो एनर्जी है वहाँ पर एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। हम साइकिल की स्टार्टिंग तो काफ़ी टाइम से चेक कर रहे हैं, एक साइकिल की एंडिंग और एक न्यू साइकिल की स्टार्ट। ठीक है, कुछ हील हो रहा है, आपके पर्सन खुद को हील कर रहे हैं अंदर से। आपके पर्सन की एनर्जी है एक न्यू बिगनिंग करने की अपनी लाइफ में, एक न्यू सर्कल स्टार्ट करने की। वो इस वक्त हीलिंग एनर्जी पे है, खुद को हील कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में, अपनी मतलब कि एक हीलिंग एनर्जी में तो है। बहुत ज़्यादा पीसफुल उनके इर्द गिर्द का माहौल कुछ टाइम से उनको फील हो रहा है, या तो उन्होंने खुद को लोगों से अकेला कर लिया है ताकि वो कुछ न्यू बिगनिंग करें तो बहुत ज़्यादा क्लियर कट होके करें, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज ना रहें, कंफ्यूजन में ना हो, क्योंकि अपनी लाइफ का कुछ एक न्यू चैप्टर वो स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और जो भी पुराने चैप्टर्स थे, जो भी पुरानी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशंस थी या कुछ कार्मिक था, तो वो सब एंड करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल रिकन्साइलेशन की तरफ। वो इस रिश्ते को भी चाहते हैं कि ये रिश्ता हील हो जाए। पेज ऑफ पेंटिकल के साथ आपको कोई मैसेज टेक्स्ट कर सकता है ये पर्सन। ठीक है, ये आपको मैसेज टेक्स्ट आ सकता है 10th मंथ, मंथ 10वां महीना कौन सा होता है हमारा? आई थिंक अक्टूबर होता है, अक्टूबर होता है ना, अक्टूबर में कोई आपको टेक्स्ट या मैसेज रिसीव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट है। फिलहाल ये पर्सन खुद को हील कर रहा है और आपके साथ रिकन्साइलेशन करना चाहता है। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग की तरफ आना चाहता है। देखिए, यहाँ पे कुछ 10-10 की एनर्जी, यहाँ पे कुछ एंड हुआ है और कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ यहाँ पर एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग, कुछ खत्म हो चुका है, कुछ पेनफुल साइकिल एंड हुई है आप लोगों की लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में। एम्परर, आपके पर्सन काफी ज्यादा यहाँ पर ईगोस्टिक आपको हो सकता है कि वो लग रहे हो, लेकिन अब उनका कोई इतना ईगो सेल्फ रहा नहीं है। वो अकेले ज़्यादा हो चुके हैं, खामोश ज़्यादा हो चुके हैं, वो इस वक्त बोल नहीं रहे, आप ये ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन आप अगर दूर से देखें तो आपको ऐसा लग सकता है रस्सी जल गई, बल नहीं जा रहा। ये पर्सन अपना वही अकड़ा अकड़ाया बैठा हुआ है, ये अकड़ा वहीं बैठा हुआ है, ये साइलेंट हो गया, इसने अकेला कर लिया खुद को। एक समझने की कोशिश कर रहा है आगे इसको अब क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप इसकी ज़िंदगी का किस तरीके से इसको लेना चाहिए। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में रिलेशनशिप को लेकर बहुत कुछ चल रहा है, जो पेनफुल एंडिंग हो गई आपके पर्सन उससे निकल रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, एक रिकन्साइलेशन करना चाहते हैं। सडनली कोई आपको टेक्स्ट या कॉल रिसीव हो सकता है इस पर्सन की तरफ से, ये सडन कोई टेक्स्ट, बिल्कुल। पेज ऑफ कप्स के साथ आपको कोई इमोशनल कन्फेशन इस पर्सन से मिल सकता है, इमोशनली कुछ कन्फेस कर सकता है ये पर्सन। सडन कोई टेक्स्ट मैसेज आपको कर सकता है जिससे ये आपके साथ एक कनेक्शन में आ सकता है। ठीक है, इस पर्सन के माइंड में चल रहा है आपको अप्रोच करना। ठीक है, इस एंडिंग को लेकर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन इस एंडिंग को लेकर क्या सोच रहा है? आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पीसफुल है, बहुत ज़्यादा काम हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं। अगर पास्ट में स्टक पे है तो वो रिलीज अपनी अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनको यहाँ पर उन्होंने कुछ गलती करी है तो यहाँ पर वो आपसे अपॉलोजी करेंगे, आपसे खुद एक कदम आगे बढ़ाएंगे, आपसे बात करने के लिए। अगर आपने कोई यहाँ पर गलती करी है तो आपके पर्सन अब यहाँ पर आपको फॉरगिव करने के लिए रेडी है। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में जो कुछ भी होगा हो गया, या तो माफ कर दें या माफी मांग लें, लेकिन इस सिचुएशन को बचा लें। ठीक है, क्लैरिफाई टेन ऑफ सोच,
पर्सन ऑन योर माइंड, लवर लवर लवर, उनको पता है यहाँ पर एंडिंग आई है आपके पर्सन के, आपके पार्टनर ने आपको चूज नहीं किया इसलिए एंडिंग आई है, आपके पर्सन ने आपको चूज नहीं किया यहाँ पर हर चीज इसलिए खत्म हुई है। जो एक पेनफुल एंडिंग का आपके पार्टनर को एहसास है, आपके पर्सन ने वक्त रहते आपको चूज नहीं किया, आपके साथ एक न्यू लीप ऑफ फेथ नहीं लिया, एक न्यू बिगनिंग नहीं करी, आपके पर्सन आधे से ज्यादा टाइम इसी खौफ में रह गए कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर कुछ गलत ना हो जाए, यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्टर्ब ना हो जाए, कि आपके साथ आगे बढ़ जाएंगे तो क्या आपके ऊपर ट्रस्ट करना ठीक रहेगा, आप इन फ्यूचर के लिए इस पर्सन के लिए एक सही राइट पार्टनर हैं, कर इस पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया इसी वजह से ही रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अब आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक एम्प्रेस है और यहाँ पर एम्प्रेस और एम्प्रेस आप लोग एक सोल काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, ये इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसके काउंटर पार्ट हैं, पर्सन आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग कोई न्यू स्टार्ट करना चाहता है, इस रिश्ते को हील करना चाहता है, आपके पार्टनर के माइंड में है इस रिलेशनशिप को हील करना, आपके साथ एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेना। अब आपके पर्सन आपको चूज करना चाहते हैं, अगर पास में आपके पर्सन के पास च्वाइजेस थी तो अब आपके पर्सन के पास चाहे लाख च्वाइजेस हो, अब आपके पर्सन को समझ में आ चुका है वो चूज आपको करेंगे, उनको नहीं पता एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग कैसे लाई जाए, जैसे जितना ही अगर वो 2 कदम आगे जाते हैं तो 4 कदम वापस पीछे आ जाते हैं, ठीक है, वो एक न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे इस रिश्ते में, कोई कोई यहाँ पर वो आपके लिए लव और फीलिंग्स ज़रूर फील कर रहे हैं, वो आपके लिए इमोशन ज़रूर होल्ड बैक कर रहे हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से नहीं बाहर निकल पा रहे, ठीक है, वो आपके लिए नाइट ऑफ कप्स के साथ कोई आपको इमोशनल ऑफर या इमोशनल लव ऑफर दे सकते हैं, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे, अपने अपनी जैसे उन्होंने जो कंफर्ट जोन बना लिया ना कि मैं यहाँ पर खुश हूँ, मुझे यहाँ पर इस पर्सन को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जैसे एक्सप्लेन करने की हालत में नहीं है, इसकी लाइफ में इसका इसकी लाइफ में स्ट्रगल रही है, ये थका हुआ इंसान है, आप कुछ भी कह रहे हैं इसके अंदर ईगो रहा, इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन रही, इसकी लाइफ में स्ट्रगल रही है, फाइनेंशियली स्ट्रगल देख रहा था कुछ ना कुछ, ये इंसान जैसे मुझे ऐसा लग रहा है इस स्प्रेड को देखकर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी की परेशानियों से आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, ये खुद बहुत स्ट्रगल करता हुआ आ रहा है, अपनी लाइफ इसकी आसान नहीं रही है, तो इसका एक कंफर्ट जोन बन गया है, ये अकेला है फिर भी आपको चूज नहीं कर पा रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसको कुछ करना नहीं पड़ रहा, इसको सिर्फ ड्रीम देखना पड़ रहा है, उस ड्रीम में आप इसके साथ हैं या तो ड्रीम में आप लोग कमिटेड हैं, ड्रीम में आप लोग अपनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, ये उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहा, इसको ऐसा लगता है कि ये अब फिक्स हो चुका है, कोई फिक्स साइन हो सकता है ये पर्सन, फिक्स साइन ऐसा अमूमन ऐसा करते हैं कि अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, कुछ न्यू चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, आपके पर्सन कोई फिक्स साइन हो सकते हैं कि जैसे ये पर्सन इतना आसानी से न्यू चेंज एक्सेप्ट नहीं करता, इसने आपको चूज ना करके गलती करी है, ये चीज़ ये पर्सन एक्सेप्ट करता है, ये आपको एडमायर करता है, अपना काउंटर पार्ट की तरह देखता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, हीलिंग करना चाहता है, लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये आपको खुद पे ट्रस्ट कैसे दिलवाए या आपको या तो आपको अपने हालात कैसे बयान करे, तो इसने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया, इसको ऐसा लग रहा है ये इसी में खुश है, इससे बाहर नहीं निकल पा रहा, डिस्टेंस है, आपकी मेमोरीज है इसके पास, आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं, आपके वॉइस क्लिप हो सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन जो भी पास में रही वो सब कुछ हो सकता है, इसको ऐसा लगता है इसने कहीं ना कहीं पास में आपको आपके साथ गलत बिहेवियर करा, आपके साथ गलत इसका बिहेवियर रहा है, तो यहाँ पर आपको कोई कप ऑफ लव क्या एक अपॉलोजीज के लिए है इसके पास, इसको ऐसा लगता है कि जब भी इसको मौका मिला, जब भी डिवाइन ने आप लोग को एक साथ लाकर खड़ा करा, ये अपने अल्फाजों की माफ़ी ज़रूर मांगेगा, जो इसने आपके आपको हर्ट किया है उसकी माफ़ी आपसे ज़रूर मांगेगा, लेकिन ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में है, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहा, आपकी तरफ बिल्कुल स्टक है, ये काफ़ी टाइम से आप लोग की है, ऐसा हो सकता है आप लोग 5 साल से स्टक हैं इस कनेक्शन में, 3 साल से स्टक हैं, कोई कोई 1 साल से स्टक है, कोई 8 साल से स्टक है, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा, इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस है, ये आप लोग की कम्युनिकेशन ओपन अप होके नहीं हो पाती, एक क्लियर कट आप लोग अपने मसलों पे बात नहीं कर पा रहे, उसी की वजह से ये कनेक्शन बेहद स्टक है, आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा, फीलिंग ऑफ लॉस आपके पास भी, आपने इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करे इस पर्सन में, इन्वेस्ट इसके भी थे लेकिन वो एक जैसे आपसे एक्सप्रेस नहीं करे गए, ऐसे इन्वेस्टेड थे इसके इमोशंस जो इसके ही दिल में रहे, जो इसके ही पास रहे, और ये कभी आपसे कह नहीं पाया उन इमोशंस को, अपने प्यार को, अपने लव को, लेकिन बाकायदगी से ये आपके साथ स्टक इसी रिलेशनशिप में रहा है, ठीक है,
चॉइस आपको चूज नहीं किया रहा वो बात अलग है, प्योरिटीज बहुत ज्यादा थी वो बात अलग है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चीजें डिफरेंट थी, आपको अपनी लाइफ में लाना और एक जैसे इसके लिए एक बर्डन सम सिचुएशन थी, और जो जिस ये अपनी लाइफ में जिस प्रॉब्लम से गुजर रहा था ये आपको उन सब चीजों से सेव भी करना चाहता था, इसको ऐसा लगता था आपका कोई कसूर नहीं है, ये आप इसके साथ इस सब में आके पिसे, मतलब कि इन प्रॉब्लम्स का बोझ ये आपको, या इसको ये जरूर बेहतर लगता था कि आपको जैसे आपके साथ थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए, थोड़ा सा जैसे आर्गुमेंट कर लेता था ताकि आप इसकी तरफ ना आए, ताकि आप इसको एक बुरा इंसान समझ के इससे दूर हो जाए, ठीक है, ताकि आप लोग का एक डिस्टेंस बन जाए, आपको ऐसा समझ में आए कि ये बुरा इंसान है, ठीक है, ये कोई ये आपके काबिल नहीं है, इसने काफ़ी टाइम इस तरीके से आपको रेजिस्ट किया, इसने काफ़ी टाइम आपके साथ मिसबिहेवियर करा ताकि आप इससे दूर रहें, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि ये आपके लिए फील करता है और आप इससे आप भी इसके लिए फील करते हैं, जब ये चीज़ें दोनों की तरफ से बैलेंस होंगी तो यहाँ पर एक न्यू चीज़ डिमांडिंग के लिए आ जाएगी, मैरिज कमिटमेंट, ये अपने मसलों में इतना स्टक था, ये आपको ये दे भी सकता था या नहीं, तो इसने आपको कभी भी कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करा, ना अपना लव ना प्यार ना केयर, इसने आपको बताने की कोशिश ही नहीं करी, आप लोग के बीच एक कम्युनिकेशन आपको सबसे ज़्यादा दुख ये है, आप लोग अपने मसलों पे बात नहीं कर सके, आप लोग को एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन करनी चाहिए थी, एक दूसरे से बात करनी चाहिए थी, देखिए यहाँ पर है टू ऑफ कप्स, यहाँ पे टू ऑफ कप्स आपका एक मेजर एनर्जी है, ठीक है, आप लोग एक एक सोल टू सोल टाई हो सकता है, सोल टू सोल कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आप लोग के बीच में यहाँ देख रही हूँ पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे कुछ कार्मा है, आप लोग के बीच यहाँ पर बर्डन सम रहा है, आप लोग की स्टोरी ऐसे यहाँ पर खुलकर सामने आती है, क्या ही कही जाए, ठीक है, चले अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, स्टोरी अच्छी है ये, ठीक है, देखिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, इनकी नज़रें आपके ऊपर बनी हुई हैं, लेकिन ये पर्सन जैसे डिस्टेंस पे है, आपकी मेमोरीज को होल्ड बैक करता है, लेकिन एक्शन नहीं लेता, आप इसको अपने काउंटर पार्ट की तरह लगते हैं, इसकी जैसे एक हसरत भरी इसकी ख्वाहिश है आपके साथ बिगनिंग करना, इसका एक कंफर्ट जोन बन चुका है, अपना ही इसका माइंडसेट है कि यहाँ पर इसी की दुनिया है और इसी का फैसला है, इसी की मर्जी है और इसमें आप भी हैं, ठीक है, एक इमेजिनेशन, इसका कंफर्ट जोन क्या है, एक इमेजिनेशन, ये खुश है उसी में, क्योंकि इसको ऐसा लगता है ये शायद आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, शायद ये आपको वो सब कुछ दे नहीं पाएगा जिसको आप डिजर्व करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ जो भी हुआ है इसको इस तरीके से इस बात की तो इसको रियलाइजेशन हुई है, इसने आपको प्रोटेक्ट करते करते हर्ट भी बहुत ज़्यादा कर दिया, इसने आपको अपने आप से दूर करते करते इसने आपको तकलीफ दे दी है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसके साथ एक दिल से कनेक्टेड हैं, आपका और इसका दिल का रिश्ता है, ये रिश्ता काफ़ी टाइम से स्टक है, ये इस पर्सन को ऐसा लगता है आपको अपॉलोजी देनी चाहिए, शायद आपका दिल इसकी माफ़ी का वेट कर रहा है, आप जो इतना यहाँ पर स्टक हैं आप इससे कुछ ना कुछ अपॉलोजी आया तो आप इससे अपनी इसको आप ये सुनना चाहते हैं कि जो इस पर्सन ने किया वो आपके साथ गलत किया, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ शायद इसी वजह से स्टक है, क्योंकि आपने अच्छा किया था तो आप इसकी वजाहत ज़रूर चाहेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस में हैं, आपको यही लगा है कि आपको समझा नहीं गया, आपको चूज़ नहीं किया गया, आपसे एटलीस्ट जो भी प्रॉब्लम जो भी मसाइल थे इस रिश्ते के उसके ऊपर बात नहीं की गई, ठीक है, यहाँ पर आप चाहते हैं इस पर्सन से कम्युनिकेट करना, एक कम्युनिकेशन हो, आप उसकी वजह से एक फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं, इमोशनल लॉस है, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी इमोशनल लॉस से गुजरता है, आपके पार्टनर आपके साथ एक बिल्डिंग करना चाहते हैं, आपके पर्सन को भी यही, उनको मौका मिले, उनको डिवाइन यहाँ पर मौका दे, उनके हालात को दुरुस्त करके उनको ऐसा मौका दे तो वो आपको ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे, अपना कप ऑफ लव अपना लव आपको ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे, आपके पर्सन की भी ये ख्वाहिश है, अब आपके पर्सन सोचते हैं कि एक रिस्क टेकिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है जो भी टावर मोमेंट आया जो भी सेपरेशन है उसके बाद उनको एहसास हुआ है कि कहीं ना कहीं आप उन्हीं का एक हिस्सा हैं, क्योंकि आपके पर्सन भी वो तकलीफ़ फील कर पा रहे हैं, वो पेन फील कर पा रहे हैं जो आप जिस तकलीफ जिस पेन से आप गुजरते रहे, तो आपके पर्सन को जो ये टावर मोमेंट आया जो अब इस बात चाहे आपको इस टावर मोमेंट से एहसास ना हुआ हो आप समझ गए ये पर्सन अक्सर ऐसा करता है, लेकिन इस पर्सन के ऊपर असर बहुत गहरा था इस टावर मोमेंट का, इस आप लोग के बीच डिस्टेंस का, ये पर्सन बिल्कुल आपके साथ आपको कोई टेक्स्ट मैसेज कॉल करने की अपनी पूरी भरपूर कोशिश कर रहा है, बार बार बैलेंस करना चाह रहा है, किसी कन्फ्यूजन से निकलना चाह रहा है ये, ठीक है, ये आपके साथ आना चाह रहा है, इसके लिए यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा बर्डन है, खामोश रहना इसका कंफर्ट जोन है, मैं बार बार कह रही हूँ,
बहुत ज़्यादा बर्डन समय इसका एक एक्सप्रेशन ऑफ लव में आना, इस पर्सन को ऐसा लगता है ये आप लोग के बीच होना ज़रूरी था। इस पर्सन को एक तो आपकी वर्थ रियलाइज़ हुई है, आपका आपका ना होना इसकी ज़िंदगी में किस तरीके का इफेक्ट रखता है, और आपने जब इस पर्सन ने आपके साथ जो भी बिहेवियर करा, चाहे वो एक पॉजिटिव नोट पे कर रहा था, ये पॉजिटिव थॉट से कर रहा था, ये आपको तकलीफ देना नहीं चाहता था, आपको सेफ रखना चाहता था, लेकिन आपने वो तकलीफ फील करी क्योंकि आप हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड थे। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसके लिए प्यार महसूस करते थे, क्योंकि इस सेपरेशन से इसने वो धचका फील करा है जो कभी आपको लगा था, ठीक है, जब ये आपको दूर कर रहा था खुद से। साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, बेहद क्लैरिटी मिल चुकी है यहाँ पर कि आपकी फीलिंग्स क्या रही होंगी जब इसने आपको रिजेक्ट किया, या जब जब इसने आपको वॉक अवे करा, जब आप टोटली इसके लिए इमोशंस में कम्प्लीटली इन डेप्थ जा चुके थे, इन्वॉल्व थे आप इसके साथ, आपके इमोशंस, आपका प्यार, आपका लव सिर्फ इसके लिए था। तो इसको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि क्या चीज़ आपने फील करी होगी इस एंडिंग से। डेथ, ये पर्सन चाहता है ट्रांसफॉर्म करना खुद को, अपनी ज़ात को, ये चाहता है आपसे कम्युनिकेट करना, एक ऐसी साइकिल बिगिन करना चाहता है, ऐसा अपना एक फेस लाना चाहता है कि आपके साथ ये अपना दिल खोल के बातें करे, ये अपना दिल खोल के रखे, ठीक है, ये अब किसी ड्रामे में पढ़ना नहीं चाहता, आपके साथ किसी आर्गुमेंट में नहीं आना चाहता, इसका दिल नहीं करता कि आपके साथ किसी भी आर्गुमेंट रिलेशनशिप में आए, ठीक है, इसका माइंड नहीं है कि आपके साथ अब आर्गुमेंट करना है, इसका दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, ये चाह रहा है कि आप एक पीस आ जाए, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो, जिसमें आपके साथ एक अपने पूरे दिल से एक कॉन्फिडेंस में आकर आपसे अपना अपने दिल का गुबार निकाले, आपसे पूरी दिल की बात करे, A to Z आपको बताए क्या हुआ था, ठीक है, जिससे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है शायद आप इसको पास्ट में जाकर इसको समझने की कोशिश करें, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप माफ कर देंगे इसको, ठीक है, बिल्कुल। या आपकी तरफ कोई कोई स्टेबल ऑफर, टोली बट श्योरली कोई स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करने जा रहा है, ठीक है, कोई क्लैरिटी आपको देने जा रहा है, यहाँ पर ही पर्सन एट द एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गैदर कर लेगा आपकी तरफ आने के लिए, आपको क्लैरिटी देने के लिए। ये पर्सन कोई आपको क्लैरिटी भरा एक टेक्स्ट कर सकता है जिसमें अपने दिल की सारी बात लिखे जो कभी आपने नहीं सुनी इस पर्सन से, ठीक है, स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है, ये चाहता है इस बर्डन को दूर करे, खुद से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, इतनी स्ट्रेंथ गैदर करे और आपके साथ कनेक्ट हो, ठीक है। ये पर्सन अब अपना जो भी एक कार्मा रहा है उससे निकल कर, उससे दूर होकर अपने कैरियर पे वर्क कर रहा है, जो भी कार्मिक चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया है, ये खामोश ज़रूर है लेकिन आपके लिए एक मेमोरीज में आपके लिए एक फैमिली क्रिएट कर रहा है, आपके साथ अपनी लाइफ क्रिएट कर रहा है, आप और एक आपके साथ अपनी एक फैमिली देखता है, डिफेंसिव लग रहा है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हुआ हुआ है, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं चाह रहा, फोर ऑफ सोर्ड के साथ कंप्लीटली आपके प्यार में, आपके आपकी आपकी जैसे आपकी ख्वाहिशात में डूबा हुआ है, आपके ना होने से इसको ऐसा लग रहा है इसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। फाइव ऑफ पैंटिकल, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपने अपने इमोशंस को डिफेंसिव कर लिया, इसकी तरफ आपने अब अपने इमोशंस आप ओवरफ्लो नहीं करते, अब आपके इमोशंस इसके लिए बिल्कुल भी जैसे ऐसे नहीं है कि वो बह चले जा रहे हैं और रुक ही नहीं रहे, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनर्जीज हैं। आपको बताऊँ मैं इसको जो है ना बहुत ज़्यादा जैसे नॉलेज हुई है, या तो ये किसी से बात कर रहा है आपके रिश्ते के बारे में, ठीक है, कोई ऐसा कोई आपका ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो इसको बता रहा है कि तुम्हारा डिफेंसिव रहना, तुम्हारा ये नॉन कमिटल होना, इस पर्सन को बार बार दूर अपने आप से दूर करना, अनएक्सप्रेसिव होना, इस रिश्ते को डैमेज कर रहा है, और ये काफ़ी हद तक हो चुका है डैमेज तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से। अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है ना ये आप खुश रहे इससे दूर होकर, ना ये खुद को खुश रख सका, ठीक है। एस ऑफ पैंटिकल आपको कुछ सॉलिड ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है, इसकी कोई डार्क साइड है, कुछ शेडो है, इसका कोई लाइफ ट्रॉमा है, इसका कोई ड्रामा अपनी ज़िंदगी का, कोई ऐसा डार्क फेस है, इसको डर लगता है कमिटमेंट से, कमिटमेंट फोबिक हो सकता है, किसी के पास जाने से, किसी के साथ कनेक्ट होने से, इमोशनली किसी के साथ बैलेंस पे आने से, एक अटैचमेंट इसको खौफ ज़्यादा करती है, इसको ऐसा लगता है इससे बेहतर अट्रैक्शन है, फन फ्लट करो और भाग लो, कमिटमेंट भी ना दो, दिल भी ना लगाओ, अटैचमेंट भी ना लगाओ, 4 दिन बात करो, अगले दिन उस पर्सन से बात ही ना करो, इसको ऐसा लगता है ऐसे अपना क्या होता है, अपना दिल भी बहल जाता है और सामने वाले को कुछ देना भी नहीं पड़ता, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन आप तो इसके जैसे
आप बनकर इसकी लाइफ में एक सच्चा प्यार आए थे, तो आपने इस बात का उसको समझाया कि सच्चा प्यार क्या होता है, सामने वाले को भी हो सकता है, आपको नहीं हो रहा तो अगला तो हो, अगला तो कर सकता है ना। अब आपके माइंड का थॉट प्रोसेस ऐसा है, इसका कोई पास्ट ट्रॉमा है, कोई ड्रामा है इसकी ज़िंदगी का, ठीक है, इसकी हीलिंग नहीं हुई भी उस ड्रामे पे, इसकी हीलिंग नहीं हुई भी उस किसी पास्ट पे, कुछ वूंड है इसकी लाइफ के, ठीक है, इसको ऐसा लगता है प्यार व्यार नहीं बना, अट्रैक्शन करो और भाग जाओ। देखिए नाइट किंग ऑफ वैंड्स, इसके माइंड में ऐसा चलता है, कोई भी कहीं भी सीरियस होने लगे, कहीं भी एक सीरियस तक बात जाए उससे पहले ही निकल लो वहाँ से, तो इसका थॉट प्रोसेस इस टाइप का है, इसलिए ये आपकी रिलेशनशिप से भाग लिया। ये सीरियस होता आप और इससे ज़्यादा इन्वॉल्व होते, इसने आपको खुद से दूर करना स्टार्ट कर दिया, ताकि आप इसको गलत इंसान समझें, ताकि आप इसको एक बुरा इंसान समझें, ठीक है, अफसोस कर रहा है, बैलेंस करना चाहता है, इसका दिल कहता है कि हाँ आप इस तरीके के पर्सन है, कभी कोई ज़िंदगी में ऐसा पर्सन आता है कि जिससे दिल कहता है यार इसके लिए मुझे ओवरफ्लो लव फील होता है, मैं इसके साथ बैलेंस करना चाहता हूँ, मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, ये आपके पार्टनर किसी को कहते हैं अपनी लाइफ में, इस पर्सन के कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये बात ये कहते हैं कि मैं हाँ यहाँ पर मैं वर्क करना चाहता हूँ, ये ऐसा रिश्ता है जिसके लिए मेरा दिल हाँ बोलता है, जिसके लिए मेरी सोल यहाँ पर बोलती है कि यार मुझे काम करना चाहिए, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पर्सन चाहते हैं आप लोग के बीच एक जो कोल्ड और डिटैच एनर्जी है ना, कि एक व्हील ऑफ फॉर्चून आए, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और एक न्यू बिगनिंग की जाए, ये पर्सन खुश नहीं है। टेन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली का ड्रीम देखता है, मतलब तो कि यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकली आपको देना चाहता है, ड्रीम तो ये कम्प्लीटली देख रहा है, साइलेंट है, खामोश रहकर भी इसकी आपके ऊपर नज़र है, खामोश रहकर भी सिर्फ आपके लिए ही सोच रहा है, ठीक है। ये आपको आपका ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको जैसे इंटेंशन नहीं था इसका हर्ट करना, ठीक है, ये आपको हर्ट करने के लिए नहीं आया था, इसका कुछ ड्रामा है इसकी ज़िंदगी का, ये एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कल्चर कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इसकी ज़िंदगी की हिस्ट्री है जहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो हील नहीं हुआ, कोई ऐसा जख्म है जो कभी भी भर ही नहीं सका इसकी ज़िंदगी का, ना वो कोई भर सका, ठीक है। ये आपको दिखाता है अट्रैक्शन, पेज की एनर्जी, लेकिन ये आपके लिए इमोशनली बेहद एक लविंग एनर्जी में रहता है, किंग ऑफ कप्स के साथ इसका दिल करता है आपको सिर्फ देखे और देखता ही रहे और उसके अलावा कुछ ना करे, इसको बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है, समझ आ रही है इस रिश्ते की, और अगर नहीं आ रही तो कोई समझा रहा है, भाई होल्ड बैक करना सोच छोड़ो, रिजेक्शन देना छोड़ो, इस कनेक्शन में जस्टिस लाओ, इतना सोचोगे गाड़ी निकल जाएगी, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ये पर्सन परफेक्ट पर्सन है, एक प्रैक्टिकल पर्सन है, एक न्यू बिगनिंग करो इधर, एक स्टार्ट में लाओ, ठीक है। ये पर्सन बेहद सोचता है, ओवर थिंकर हो सकता है, हर चीज़ को लेकर सोचना इसकी आदत है, लेकिन इसका दिल कह रहा है, इसकी सोच कह रही है जस्टिस करना चाहिए, यहाँ पर लीगल करना चाहिए, यहाँ पर इस पर्सन के साथ मैरिज कमिटमेंट में आना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन को पता है जब तक ये आपको कुछ सॉलिड नहीं दे देता, जब तक ये आपको कुछ सॉलिड नहीं प्रोवाइड कर देता, जब तक यहाँ पर चीज़ें सही नहीं होंगी, इसने पास में भी होल्ड बैक किया और अभी भी होल्ड बैक कर रहा है, इसने पास में अपने इमोशंस पीछे रख कर आपको रिजेक्शन दी है, पीछे रख कर आपको कहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। और यहाँ पर इस वक्त ही पोजेसिव हुआ भाई आपको, जैसे जैसे छोटा बच्चा नहीं है तो उसका टेडी बियर होता है और कोई छीन रहा होता है, ये नहीं चाहता कि अब आपको कोई छीन कर ले जाए, क्योंकि अब इसको यकीन हो चुका है यार ये कनेक्टेड है इस पर्सन के साथ, यहाँ पर कनेक्शन चाहता है, यहाँ पर है एस ऑफ वैंड्स, अट्रैक्शन बेहद है और एक आपको प्रैक्टिकल पर्सन की तरह देखता है, एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देखता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक कंप्लीट एक पर्सन की तरह जिसके साथ कोई भी चाहेगा अपनी अपनी लाइफ को कनेक्ट करना, बिल्कुल। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में देख रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा पास से अब तक स्टेबल हो चुके हैं, पेशेंस आ चुका है, बैलेंस हो चुके हैं, बेहद अट्रैक्टिव हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है, ठीक है मूल, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको देख करके ये आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, ये नहीं जान पा रहा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर कितना कनेक्टेड हैं, आप इस रिश्ते में क्या चाह रहे हैं इसको नहीं समझ में आ रहा, ये देख तो रहा है आप ग्राउंडेड हैं, आप साइलेंट हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स की तरफ है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन एक मून की एनर्जी ऐसी है, इसको इसको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, या तो थोड़ा सा इसको फेयर हो रहा है कि ये क्या हो क्या रहा है। देखें क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है और ये कंप्लीटली आपके ऊपर नज़र बना के रखा हुआ है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, वन लास्ट कार्ड, आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं, आपका आपका
यहाँ पर दिमाग मिलता है एक दूसरे से, सोल टू सोल कनेक्ट होते हैं, इमोशंस कनेक्ट होते हैं, आप टोटली एक दूसरे के जैसे, चाहे ऑपोजिट ज़रूर होंगे लेकिन आपको जो एक इनर सेल्फ है ना, वो दोनों की एक कंपैटिबिलिटी बनाता है। आपके इमोशंस भी एक दूसरे के लिए इक्वल हैं, प्रैक्टिकलिटी भी इक्वल है, आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं आगे क्या करना है उस चीज़ को लेकर सोचते हैं, मतलब कि यहाँ पर आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आ रहा है मुझे। और इस पर्सन, ये पर्सन भी इक्वली इमोशंस रख रहा है, इक्वली प्रैक्टिकल होना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहता है। अगर पास में आप लोग सेम पेजेस पे नहीं थे तो अब आप सेम पेजेस पे, पास में आपको रिजेक्शन मिली हो सकती है लेकिन अभी इस पर्सन को पता है इसने आपको रिजेक्ट करके गलत कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एडवाइस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर, पर्सन ऑन योर माइंड के लिए एडवाइस, ठीक है। देखें, लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस, रिलैक्स एंड ट्रस्ट, ठीक है। आपने क्या सीखा, आपने जो भी आपका जो आप सीखते रहे हैं जो अपने चैलेंजेस से, रिलैक्स करें, आपने जो सीखना था वो सीख लिया, और ट्रस्ट करें डिवाइन पे, ठीक है। आप जो कर रहे हैं उसमें बिजी रहें और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। प्रिपेयर फॉर सोल हीलिंग, फॉर गिव एंड रिलीज एवरीवन, ठीक है। आपको यहाँ पर सोल हीलिंग करनी है, इस पर्सन को भी पता है आप भी हील कर रहे हैं, ये पर्सन खुद भी हील हो रहा है, ठीक है। आप लोग का पास्ट है, कोई वर्स बहुत ज़्यादा कार्मिक बहुत ज़्यादा ये डार्क आप लोग का पास्ट रहा है, जिसमें आप लोगों ने एक दूसरे को इक्वली, आपने तो यहाँ पर इस रिश्ते में बहुत कुछ करना चाहा लेकिन उस पर्सन की तरफ से आपको इक्वल नहीं मिला, तो आपको प्रिपेयर रहे सोल हीलिंग के लिए, आपकी सोल की हीलिंग हो रही है, आपका कोई कोई सोल काउंटर पार्ट है या आपका कोई सोल टू सोल कनेक्शन है, ठीक है। सोल हीलिंग के लिए आप प्रिपेयर रहें, फॉर गिफ्ट करें एंड रिलीज एवरीवन, हर किसी को, किसी ने भी आपका दिल दुखाया, इस पर्सन ने नहीं, पास्ट आगे पीछे कभी भी आप हर्ट हुए हैं तो आप रिलीज करें, फॉरगिव करें, आपकी सोल की हीलिंग जरूरी है यहाँ पर। सी विद एनलाइटमेंट आईज ओपन टू अबेंडेंस, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी आंखें हैं जो देख पाती हैं, कुछ है यहाँ पर जो एक आप डिफरेंट तरीके से डिवाइन से अलाइंड होते हैं, ठीक है। स्टैंड योर पावर, बी ट्रू योर सेल्फ, अपनी पावर में स्टैंड करें और अपने लिए, अपने सेल्फ के लिए एक ट्रू रहें, आप एक वॉरियर की तरह हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एक बहुत ज़्यादा बी फेयर इन ऑल सिचुएशन, रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है इस पर्सन के साथ अगर कोई इश्यूज हैं, ये पर्सन आता है तो रिजॉल्व करें, इस पर्सन को चांस दें। ये पर्सन आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, कोई सोलमेट रिलेशनशिप है आपका। इंक्रीज योर लाइट लेवल, ओपन योर स्टेलर गेटवे चाक्रा, यहाँ पर आपका ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, कुछ ना कुछ आपको हीलिंग यहाँ पर, आपका यहाँ पर आपका आपका लाइट, आपका जो यहाँ पर एक डिवाइन से कनेक्शन था, कोई ना कोई स्पिरिचुअल वर्क हो सकता है आपका, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर थर्ड आई चक्र ओपन हो सकता है, एक आई ओपनिंग को कहते हैं जहाँ पर थर्ड आई चक्र हमारे बिल्कुल सेंटर में होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो डिवाइन आपको कह रहा है कि आपको इस रिश्ते में रहना है, फ्यूचर यहाँ पर आपका कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, रिलीज करना पड़ेगा इसको, आप कंप्लीट तरीके से माफ़ कर रहे, वरना ये रिश्ता आप अच्छे तरीके से नहीं चला सकेंगे, यहाँ पर ये जो सेपरेशन है ना, इसीलिए आप लोग, आपको माफ़ करना ज़रूरी है इस इंसान को, जो कुछ भी है आपको वो बात में पता चलेगा क्या ट्रुथ है, क्या रियलिटी है, इसने कब क्या किया और क्यों किया, कोई मजबूरी है इसकी, इस रिश्ते में यहाँ पर कुछ है जो इसने आपको खुद से जानबूझकर पॉइंट टू पॉइंट दूर करता रहा ये पर्सन, ठीक है। सोल हीलिंग की बात हो रही है, आपकी सोल की हीलिंग हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करें, पानी पिएं और अपने आप को टाइम दें, लोगों से ज़्यादा खुद को टाइम दें, अकेले रहें थोड़ा सा, अपने साथ सवाल जवाब अपनी जात के साथ किया करें, ना कि किसी और से, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक और दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, थैंक यू।